उनकी बात ही मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान गरीब और पिछड़े दलित वंचित शोषण को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने में नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट हम लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी, और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में, ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां है? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़ करके निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पर आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें ना करें लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री को क्या निवेश मिलेगा? वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।